हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेफ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू या फिर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो आज का जो आज मैं आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूँगी, और आज की जो रेमेडी है वो बालों के लिए है, और स्पेशली उनके लिए जो कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा डल हैं, फिजी हैं और बहुत ज़्यादा है ना थिन है, और जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है, उन लोगों के लिए है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने है ना मेरे को ये चीज़ पूछी थी, कमेंट किया था उन्होंने कि उनके बाल बहुत ज़्यादा, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपसे बताई कि उनके बहुत ज़्यादा है ना थिन है, बहुत ज़्यादा फिजी हैं और डल हैं, तो उसको लेकर के उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है। तो मुझे उसी से, उन्हीं की कमेंट से याद आया था कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी रेमेडी जो है मैं जो यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वही मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और ये वाला ऑयल मैं घर में बनाती हूँ, और वाकई में इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, और जो कि अभी कोविड के बाद में जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं लोगों के अंदर, कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। एक तो बारिश का मौसम और दूसरा कोविड, इन दोनों, ये दोनों कॉम्बिनेशन लोगों का है ना मिल रहा है, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये कोविड का एक साइड इफ़ेक्ट है हेयर फॉल, और बारिश का, उसके ऊपर बारिश का मौसम हो, कि बारिश के मौसम में नमी, चिपचिपाहट, गर्मी, उन सबसे और ज़्यादा है ना बालों की हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। एक मैं भी उनमें से ही हूँ, तो मुझे बहुत ध्यान रखना होता है। तो इस रेमेडी ने मेरे बालों को बचाया, ऑल्दो मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए, लेकिन टाइमली वो चीज़ मेरी कंट्रोल हो गई, जैसे कि ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ मुझे। तो आज मैं वही ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि ये ऑयल देख सकते हैं आप, पहले तो इसके डब्बे की हालत देख के समझ सकते हो कि काफ़ी पुराना है ये, और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, कि यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ तो विंटर से पहले मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप ये कलर भी देख सकते हो, हल्का सा येलोश है, मेरे कुर्ते का शायद रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, हल्का सा येलो कलर है इसका। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं चार मेरे जो इस तेल के जो हीरो हैं। एक तो है फेनुग्री सीड्स, दूसरा है कलौंजी जिसको कि अनियन सीड भी बोलते हैं, तीसरा है आपका कोकोनट ऑयल, और चौथा है आपके करी लीव्स। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि कैसे बना, काफ़ी लोग उसको है ना गैस में ऑयल को गर्म करके तीनों चीज़ें डाल करके है ना वो बनाते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि उससे काफ़ी सारे न्यूट्रिशन जो है वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उसको अलग तरह से बनाती हूँ, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिशंस हैं, जो उसके जो वाइटमिन हैं, वो पूरे मुझे मिल सकें। तो मैं आपसे पहले मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, वैसे सब लोग जानते ही हैं, मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगी, और फिर मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है उसे और क्या प्रोसेस होगी उसकी। तो पहले मैं मेन बताना चाहूंगी कि ऐसे कि फेनोग्री सीड्स है, जिसको कि हम मेथी दाना भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, बहुत सारे। तो लेकिन मेन जो सोर्स है उसका आयरन और उसका पोटेशियम और प्रोटीन का है, जो कि आयरन जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में, प्लस प्रोटीन जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में, प्लस पोटेशियम जो है वो आपके जो ग्रे हेयर्स हैं उसको रिवर्स करने में हेल्पफुल रहता है। ये मेन बालों के लिए जो स्पेशल, वैसे तो उसके बहुत सारे हैं, आप अगर उसको पाउडर के रूप में भी खाते हो या फिर लेते हो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी कुछ चीज़ें मेथी दाने को स्पेशल लेकर के हम लोग यूज़ करते हैं, उसके क्या हमारे साथ में एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। लेकिन बालों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मेन ये तीन चीज़ें हैं, तो वो मुझे सबसे बेहतर लगता है और जिसका कि मुझे वाकई में फ़ायदा मिला है। और उसके अलावा अगर बात करें तो आपके जो कलौंजी है, कलौंजी जो कि माना जाता है कि आपके रिवर्स करने के लिए, ग्रे हेयर्स को रिवर्स करने के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आपके जो हेयर फॉल हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए, मैं बहुत जल्दी आपको एक ना अनियन ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कि जिसका कि वाकई में एक बहुत मेजरेबल इफ़ेक्ट आता है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ और प्रीवियसली किया है मैंने, इवन अपने हस्बैंड के ऊपर भी किया है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, कम टू द मेन पॉइंट। और उसके अलावा आपको अगर हम बात करते तो कलौंजी का जो हमारा जो डर्ट पोल्यूशन की वजह से और जो गर्मी की वजह से जो बालों में है ना जो एक तरह की डलनेस आ जाती है,
उसको भी आपको रिवर्स करने में, वो उसको एक हेल्दी बनाने में भी कलौंजी बहुत बड़ा मेजरेबल रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल होता है, सेम विद द कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा उसमें आपकी जो हेल्प करता है वो है स्प्लिट एंड्स में, जो कि हमारे बालों के जो दो मुँह बाल जिसको बोलते हैं उसको रोकने में और जिनके हो गए हैं उसको हील करने में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। जो मेरे साथ में एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं मेन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। दूसरा, आपकी जो हेयर ग्रोथ अगर कम हो गई है उसको इम्प्रूव करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप करी लीफ की बात करें तो करी लीफ का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऑल्दो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो थोड़े से नेगेटिव उसमें आ जाता है, लेकिन अगर आप बैलेंस में रखते हो तो काफ़ी फ़ायदे हैं। आपको प्रोटीन का सोर्स है आपका करी लीव्स, विटामिन बी आपको करी लीव से मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वाला रोल प्ले करता है, ग्रे हेयर तो आपका रिवर्स करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके बालों को स्मूथ शाइनी और सिल्की बनाने में बहुत अच्छा रहता है। ये चारों ही चीज़ें अगर आप वीडियो अगर बनाया जाए तो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो वाकई में मेरे को फील होती हैं और जो मेरे बालों के लिए हेल्पफुल रही हैं। और तो जैसे कि मैंने अभी इंडिगो का एक रिसेंटली बनाया था, उसमें बताया था कि अगर आपके बाल 25 साल, अगर आपकी एज 25 साल से कम है, 25 ईयर्स से कम है, तो आपके बाल दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 25 के अबव है और आपने केमिकल ट्रीटमेंट या किसी तरह का ना आपने हेयर डाई ये वो यूज़ किया है, तो बाल आपके कभी भी आपके ब्लैक नहीं होंगे। ये केवल मिथ है, बनाने को तो लोग बहुत कुछ बनाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरी नॉलेज में है, जो कि मैं भी उन चीज़ से गुजर चुकी हूँ और जो मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें की हैं जिसका कि मेरे को साइड इफ़ेक्ट अब लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है, तो इसको आप ना जितना जल्दी मान लें वो ज़्यादा अच्छा है। आप इवन आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, डॉक्टर से पढ़ सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर वाकई में परमानेंटली ब्लैक होने लग जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो क्यों ना ये तुरंत ये चीज़ बना देते हैं। हमारे दांत और हमारे बालों का जो रिवर्स ग्रे हेयर्स हो गए उनको रिवर्स करने का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ये फैक्ट है। होम्योपैथी में 25 ईयर्स से कम के बालों को काला किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट है। आप कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, कभी भी किसी से डिस्कस कर सकते हैं। दांत आपके जो एक होता है ना बच्चों के जो कहते हैं दूध के दांत के बाद जो परमानेंट दांत आते हैं, थर्ड टाइम आपको दांत दोबारा नहीं मिलेंगे, अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है हमारा। दूसरे जो बाल हैं, अगर एक बार आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपकी एज है ना 30 के अबव है और आपने केमिकल ट्रीटमेंट कर लिया है, तो आपकी ज़िंदगी में कभी बाल काले नहीं होंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि मैंने काफ़ी इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ढूंढा है, बहुत चीज़ें की हैं, लेकिन आपके बाल बने रहे हैं, आपके कलर करने लायक एटलीस्ट वो काफ़ी है, क्योंकि बाल हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तो चलिए अभी अपने ना मेन टॉपिक पे चलते हैं, बहुत चीज़ हो गई, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। लेकिन ये चारों चीज़ें वाकई में हेल्पफुल होती हैं और काम करती हैं, लेकिन इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कांच की बोतल लेनी होगी, प्लास्टिक की नहीं चलेगी क्योंकि वो केमिकल उनमें होता है, तो इसीलिए हमें कांच का एक जार लेना है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो, ये मैंने ये डाबर वाला जो शहद वाला आता है 200 ml का, वो मैंने लिया है। अब इसमें हमें ये सूखा हुआ होना चाहिए एकदम, पानी नहीं होना चाहिए इसमें किसी भी तरह से, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये जो मेरा स्पून है वो मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का है, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो एक फुल स्पून भर के हम इसमें मेथी दाना डालेंगे, पूरा ये वाला स्पून भर के, अब थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये डाल दिया थोड़ा सा, एक चम्मच से ज़्यादा थोड़ा हमने ये मेथी दाना डाला। इसके बाद हम कलौंजी सीड्स डालेंगे, एक चम्मच भर के डाल देंगे और थोड़ा सा और। इसके बाद हम करी लीव्स डालेंगे, और ये करी लीव्स हैं
मैंने सुखा के रखी हुई हैं ये करी लीव्स, क्योंकि जो जो हमारी जो ताजी वाली हरी हो वाली होती हैं उनमें मॉइस्चर आने का थोड़ा सा रहता है, तो इसीलिए हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा फंगस आए या कोई प्रॉब्लम आए, इसीलिए आप ये सुखा कर रख लीजिए छाया में, धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है। तो इसको थोड़ा सा एक हैंडफुल थोड़ा सा लेकर के आप इसमें थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, हाथ में क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। आप ये मान सकते हो कि 30-35 लीव्स आप है ना इसमें ले सकते हो, थोड़ी ज़्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है, ये डाल सकते हो उसमें। देख सकते हो कि ये इतना बन गया है हमारा। अब इसके बाद हम ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, तो ये हम इसमें पूरा भर देंगे। ये ऑयल मैंने पूरा डाल दिया है इसमें, आप देख सकते हो ये पूरा जार इसमें भर गया है, थोड़ा सा खाली है, ये पूरा जार इसमें भर गया है। अब इसे हमें कैसे यूज़ करना है आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, ये लेकिन ये हमारा ऑयल बन गया है। अब इसे हमें कम से कम 8-10 दिन धूप में रखना है, इसको डायरेक्ट धूप के अंदर रखना है, जितनी ज़्यादा धूप हो वो ज़्यादा अच्छा है। इसको हमें धूप के अंदर लगातार 8-10 दिन रखे रहना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस इसका। जैसे कि आपने देख लिया कि बनाना कैसे है, अभी जो करी लीव्स हैं वो ऊपर हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप धूप में रखेंगे इसको तो ये नीचे आ जाएंगी, इसकी तरह ये नीचे बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगी और ऑयल अलग हो जाएगा आपका, और करी लीव्स एकदम नीचे कलौंजी और मेथी के साथ में बैठ जाएंगी नीचे और ऑयल ऊपर आ जाएगा आपका। बीच बीच में आपको इसको हिलाते रहना है, 2-3 दिन बाद जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से बीच बीच में इसको हिलाते रहें, और 8-10 दिन लगातार इसको धूप में रखना है, तेज़ धूप में रखना है। और 10 दिन के बाद में इसमें इनिशियली थोड़ी सी स्मेल हो जाती है करी लीव की इसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल जाती रहेगी और आपको एक प्योर फॉर्म में आपको एक कोकोनट ऑयल मिलेगा विद द न्यूट्रिशन ऑफ कलौंजी सीड्स, फेनुग्री सीड्स और करी लीव्स के साथ में। तो आइए, वाकई में ये ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर ये ऑयल ख़त्म भी हो जाता है तो इसी में थोड़े से आप ना मेथी दाना और कलौंजी दाने जो हैं उसमें थोड़े से और डाल करके और इसमें ऑयल डाल दीजिए, पूरा भर के रख दीजिए इसको, फिर दोबारा से इसको रिफिल कर देंगे, फिर अगेन उसको धूप में रख देंगे तो अगेन आपका वो ऑयल जो है तैयार हो जाएगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। प्लस जब इसको यूज़ करना है आपको तो थोड़ा सा आपको एक जैसे कि एक स्पून इसमें है ना कैस्टर ऑयल और मिक्स कर लेना है जिस समय आपको यूज़ करना है, और इसको यूज़ भी आपको नहाने से पहले जब आप 1-1.5 घंटे पहले इसको लगा लो, उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है। क्योंकि ये आप इसको रात में लगा करके नहीं सो पाएंगे, हल्की सी स्मेल होती है इसमें करी लीव की वजह से, तो आप नहाने से करीब 1-1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले जब भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसको लगा लें और फिर हेयर वॉश कर लें, तो वाकई में ये बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। कैस्टर ऑयल मिला करके इसका है ना 4 चांद लगना जिसको बोलते हैं ना वो आपके ये काम करेगा, वाकई में बहुत अच्छा काम करता है। एक दूसरी रेमेडी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है वो भी आपको दिखाऊँगी कि एलोवेरा की लीव्स के साथ में आप ना आप हमारा जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो डाल करके और उसमें एक कैप्सूल विटामिन ई का डालना है, आपको मैं बना के दिखाती हूँ उसको, तो उसको भी वाकई में वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बालों के लिए, फेस के लिए, हर तरह से, और जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है वो भी रिच आयरन रिच होता है मल्टीपल, उसके मैं मस्टर्ड ऑयल पे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। वाकई में बालों के लिए एक रामबाण जिसको बोलते हैं, अगर आपको ये जब तक ये चीज़ नहीं है तब तक आप वो लगा सकते हो, वाकई में बहुत
इफेक्टिव रेमेडी है। आप पहले एक बार वीडियो देख लीजिए बनाने के लिए कि उसको बनाना कैसे है, फिर मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी उसका। एलोवेरा की पूरी लीफ ली है मैंने, अब इसको छील, मैंने धो लिया है इसको, अब इसको छील लेंगे और इसका जितना पल्प है वो निकाल लेंगे। इसका पल्प हम अच्छे से निकाल लेंगे। छील लिया पूरा। अब इसको स्पून से इसको पूरा स्क्रैच कर लेंगे। ये इसमें पल्प पूरा निकल आया, अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। ये अब पिस गया पूरा, देख सकते हैं स्मूथ हो गया है। अब हम अपनी रेमेडी बनाते हैं। तो एक बोल में आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ये मैं एक बड़ा स्पून मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा और अच्छे से गहराई से जितना आप ले सकते हैं, जितना आप अच्छे से है ना मतलब डीप बालों में लगाना है तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना ये ले सकते हैं। अब इसमें करीब 2 से 3 चम्मच हम अपने एलोवेरा डालेंगे। और एक विटामिन ई के कैप्सूल, इसको पंचर करना होगा, हमें कट करना है। एक कैप्सूल इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। अब इसे हमें अपने बालों पर अप्लाई करना है, तो अच्छे से डीपली है ना उसमें मसाज करनी है। जितना अच्छे से आप करेंगे उतने ही बालों में आपकी है ना स्मूथनेस आएगी और जितने भी झड़ना है वो रुकेगा। जैसे कि आपने दोनों रेमेडीज देख ली कि एक तो एलोवेरा का, एलोवेरा और आपका मस्टर्ड ऑयल का हो गया, दूसरा आपका फेनुग्री सीड्स और कलौंजी सीड्स और आपकी करी लीव्स और कोकोनट ऑयल के साथ में। ये दोनों ही रेमेडीज़ वाकई में बहुत अच्छे से काम करती हैं। जो लोग अभी कलौंजी वाला नहीं बना यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टेंटली आप उसको यूज़ करें, एलोवेरा और मस्टर्ड ऑयल वाला, और उसमें कैप्सूल डाल करके। वाकई में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करती हैं। आप कम से कम हफ्ते में 2 बार इसको यूज़ करें, काम करता है, बहुत अच्छे से करता है। आपके बाल ना जो दोनों ही, अगर आप दोनों में से कोई भी आप लगाते हो, वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आप लगाओगे ना आपको डिफरेंस फील होगा। और जितना लंबा लगाओगे, लंबा इन द सेंस कि 1 घंटे से ज़्यादा आप लगाओगे बालों में, आपको बाल उतने ही ज़्यादा ना आपको डिफरेंस फील होगा। सेकेंड टाइम लगाओगे तो बालों से हाथ हटाने का मन नहीं करेगा आपका। आई एम बेट ऑन दैट, सीरियसली मैं ये करती हूँ और ये वाकई में इफ़ेक्टिव है। मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, इवन मैं अपने हस्बैंड के भी यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है। आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बाल अपने आप में सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आपको है ना अपने बालों को लेकर के यू विल फील गुड, ये मेरा है ना भरोसा है, विश्वास है और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ इन दोनों रेमेडीज़ को यूज़ करना, और यूज़ करके आप लोगों को क्या इसके बेनिफिट्स मिले, क्या आपके साथ में एक्सपीरियंस रहा, तो शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना इस चीज़ के लिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें लाने के और अपना एक्सपीरियंस और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो प्लीज़ इस चीज़ को यूज़ करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, मैंने रेमेडी बनाई और मुझे यूज़फुल लगी तो मैंने आप लोगों के साथ साथ में शेयर किया,
और आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहे हैं तो नेक्स्ट को अगर शेयर करते हैं तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी, तो इसमें आपका कुछ नहीं गया, मेरा भी कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वाकई में इफ़ेक्टिव है, काम करता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर तरह की, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई है वो तो कर ही सकते हैं, जिनकी ऑयली है वो भी कर, उनके लिए भी अच्छा है, और जिनकी नॉर्मल है सबके लिए अच्छा है ये। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेनिफिट देगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इवन मैं क्या, मैं हस्बैंड भी यूज़ कर रहे हैं, हम दो तीन लोगों पे मैं इसको ट्राई करती हूँ तब आप लोगों तक लेकर के आती हूँ मैं। तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे बताना, जैसे कि मुझे आगे और वीडियोज़ लाने में हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तो प्लीज़ थोड़ा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर दैट पॉइंट, और मिलते हैं एक और नए प्रोडक्ट के साथ में, एक और नए रेमेडी के साथ में। तो सी यू टिल देन, बाय, थैंक यू।